हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद ए न्यू टॉपिक डाइवर्सिटी इन फ्लोरल पार्ट पार्ट टू। आई एम डॉक्टर प्रियंका एंड टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डाइवर्सिटी इन फ्लोरल पार्ट। जैसे पार्ट फर्स्ट में हम सिमिट्री के बारे में, ब्रैक्ट ब्रैक्टियोल्स के बारे में इनमें डिस्कस कर चुके हैं, अब पार्ट टू में हम करेंगे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम की डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद कैलेक्स। एज वी नो दैट दिस इज द फर्स्ट वॉल ऑफ ए फ्लावर विच इज कंसिस्ट ऑफ ग्रीन पिगमेंट और द सेपल और द एग्रीगेटिव पार्ट ऑफ सेपल वी आर कॉल्ड इट कैलेक्स। इन इन मैनी प्लांट्स दीज आर ग्रीन इन कलर बट समटाइम दीज आर कलर्ड, वी आर कॉल्ड इट पेटेलोइड्स। कई प्लांट के अंदर क्या होता है, ये ग्रीन के बजाय कलर्ड पिगमेंट होती हैं, तो हम इसे कहते हैं पेटेलोइड्स बिकॉज दे रिजेंबल टू पेटल्स। तो सेपल्स का एग्रीगेटिव फॉर्म है कैलेक्स। तो कैलेक्स के अंदर कैसी डाइवर्सिटी यहाँ प्रेजेंट होगी, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कैलेक्स कि कितना लाइफ स्पेन या फिर कितना ड्यूरेशन है कैलेक्स का। फर्स्ट टाइप इज क्यूडिशियस टाइप इन विच ड्रॉप ऑफ एज सून एज द फ्लावर ओपन। जैसे ही फ्लावर ओपन होता है कैलेक्स जो है या सेपल्स जो है उनका फॉल डाउन हो जाता है, वो वहां से हट जाती है, तो इस टाइप को बोलते हैं क्यूडिशियस। मोस्टली प्लांट के अंदर फ्लावर ओपन होते ही ये फॉर्म देखी जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल इन पॉपी फ्लावर। सेकेंड इज डेसीडिशियस फॉर्म इन विच फॉल एट द मेच्योरिटी अलोन विद अदर फ्लावरल पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही एंड्रोसियम या गाइनोसियम जैसे ही मेच्योर होते हैं तो सेपल्स का फॉल डाउन हो जाता है, फ्लावर के अंदर सेपल्स वहां झड़ जाती हैं। तो ये है सेकेंड फॉर्म कि मेच्योरिटी जब होगी, ओवरी जब राइप होगी, फ्रूट जब बनेगा तो सेपल्स का फॉल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट कैलेक्स इन विच रिमेन अटैच इवन टू राइप फ्रूट। ये क्या होता है, जब तक ओवरी राइप होती है, जब तक फ्रूट बनता है, तब तक क्या रहता है कैलेक्स या सेपल्स जो है वो चिपकी रहती हैं फ्रूट के साथ, फॉर एग्जाम्पल इन टमेटो और ब्रिंजल। ऐसा होता है कि टमेटो प्लांट्स के साथ वो सेपल्स चिपकी रहती हैं जब तक फ्रूट राइप होता है तब तक। तो ये तीन फॉर्म है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशंस कि कितने टाइम तक कैलेक्स अटैच रहता है फ्रूट के साथ या ओवरी के साथ। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ कैलेक्स, फॉर एग्जाम्पल पॉलीसेपलस। देर आर टू फॉर्म्स ऑफ द कैलेक्स, पॉलीसेपलस एंड द गैमोसेपलस। पॉलीसेपलस मीन व्हेन द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर मे रिमेन फ्री फ्रॉम ईच अदर्स। फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है इसके अंदर क्या है, सेपल्स फ्री फॉर्म के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल इन ब्रेसिका सेपल्स फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगी। गैमोसेपलस टर्म कहाँ यूज होती है, इफ द सेपल्स गेट फ्यूज्ड फ्रॉम ईच अदर, अगर सेपल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो। लेकिन ये डिफरेंट टाइप से फ्यूज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज टूथ्ड, ओनली टीथ ऑफ सेपल्स मीन्स ओनली टीथ लाइक स्ट्रक्चर कैन बी अपियर ऑन अपेक्स पार्ट और डिस्टिंक्ट एंड रेस्ट पार्ट आर फ्यूज्ड। जैसे हम देखेंगे बेसिक में क्या होगा, बेस पे तो फ्यूज फॉर्म के अंदर होगा, ओनली टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स कैन बी अपीयर्ड। ऊपर जो अपेक्स पार्ट है उसके अंदर सेपल सिर्फ फ्री फॉर्म के अंदर होगा, बाकी फ्यूज्ड है। नेक्स्ट इज फीड, सेपल आर फ्यूज्ड हाफ वे फ्रॉम द बेस टुवर्ड द अपेक्स। हाफ बेस के ऊपर क्या होंगी, सेपल फ्यूज फॉर्म के अंदर होंगी और ऊपर जो होंगी अपेक्स की साइड वो फ्री फॉर्म के अंदर होंगी, दिस इज फीड कैलेक्स। थर्ड इज पार्टाइट कैलेक्स इन विच लेस देन हाफ वे फ्रॉम द बेस टुवर्ड द अपेक्स। इसमें क्या होगा, बिल्कुल हाफ वे पे या सिर्फ आधे सेपल, आधे से भी नीचे जो सेपल होंगी वो फ्यूज फॉर्म के अंदर होंगी और अपेक्स पे जाके वो फ्री हो जाएंगी। नेक्स्ट इज कोनेट, फ्यूजन ऑफ सेपल इज वेरी लिटिल जस्ट एट द बेस, ओनली क्या होंगी वो बेस के ऊपर ही फ्यूज होंगी, पूरी सेपल्स जो है वो फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेंगी। तो ये है फॉर्म कैलेक्स की कि पॉलीसेपलस भी हो सकता है, गैमोसेपलस भी। पॉली का मतलब है कि फ्री फॉर्म के अंदर कैलेक्स प्रेजेंट है, सारी सेपल्स जो है वो फ्री हैं,
गैमोसेपलस का मतलब है फ्यूज्ड है, लेकिन उनमें भी डाइवर्सिटी है कि वो हाफ फ्यूज्ड है या लेस देन हाफ फ्यूज्ड है या फिर ऑन द वेसल पार्ट दे आर फ्यूज्ड। तो ये फॉर्म है सेपल्स की कि किस फॉर्म के अंदर सेपल्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट पार्ट इज, तो कोरोला में जाने से पहले अगर हम सेपल्स के फंक्शन देखें कि सेपल्स के क्या फंक्शन होंगे या कैलेक्स के क्या फंक्शन होंगे, फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट वॉल है, थैलेमस के साथ मिलके प्रोटेक्शन का काम करता है, इंटरनल ऑर्गन है उन्हें प्रोटेक्ट करता है। देन सेकेंड इज दे आर ग्रीन इन कलर, सो दे प्रोवाइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉर द प्लांट, कि उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्पफुल है, प्रोटेक्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये फंक्शन है कैलेक्स के। नेक्स्ट अपना पार्ट है कोरोला। वी नो दैट ए कलर्ड पिगमेंट और द कलर्ड पेटल्स आर प्रेजेंट इन ए फ्लावर विच कैन अट्रैक्ट ए पोलिनेटर। जितनी कलर के फ्लावर हैं, ब्लू है, रेड है या फिर येलो है या पिंक है, ये सब किसके बेसिस पे हैं? पेटल के कलर के बेसिस पे। कलर्ड पिगमेंट क्यों है? क्योंकि पोलिनेटर को अट्रैक्ट करना है। तो पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए जो कलर्ड पिगमेंट है, इनकी एग्रीगेटिव फॉर्म है कोरोला। तो कोरोला जो है इसके अंदर क्या डाइवर्सिटी प्रेजेंट होंगी? फर्स्ट है पोलीपेटलस और गैमोपेटलस। जैसे कि सेपल फ्यूज और फ्री फॉर्म के अंदर थे, वैसे कोरोला भी फ्यूज और फ्री फॉर्म के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज पोलीपेटलस व्हेन द पेटल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। पोलीपेटलस में भी क्या होगा, जैसे सेकंड डायग्राम में देखा जा सकता है कि जो पेटल है वो क्या है, फ्री फॉर्म के अंदर। सॉरी, ये सेपल्स का है, सेपल्स और पेटल्स दोनों हैं। ऊपर पेटल का दिखाया गया है और नीचे सेपल का। तो पोलीपेटलस का मतलब क्या हो गया, पेटल्स हैं, फ्री फॉर्म के अंदर होंगी। गैमोपेटलस का मतलब क्या हो गया, पेटल्स हो चाहे सेपल हो, गैमोसेपलस हुआ या गैमोपेटलस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन द सेपल और पेटल आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। अगर एक दूसरे से फ्यूज करती हैं, अगर एग्रीगेटिव फॉर्म के अंदर है तो गैमोपेटलस टर्म यूज होती है, और अगर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो दे आर पोलीपेटलस। तो ये था फॉर्म कोरोला की, पोलीपेटलस और गैमोपेटलस। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ कोरोला, किस फॉर्म के अंदर कोरोला प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट इज क्रूसीफॉर्म, इन विच फोर पेटल्स आर अरेंज्ड इन ए फॉर्म ऑफ ए क्रॉस। चार पेटल प्रेजेंट होंगी लेकिन किस फॉर्म के अंदर है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस। ईच पेटल क्लोड कंसिस्टिंग ऑफ ए नैरो स्टॉक लाइक द प्रोक्सिमल क्लो और द लिम्ब। क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी के अंदर ऐसा मिलता है कि चार पेटल होती हैं, एक दूसरे से क्रॉस बनाती हैं, क्लाव और एक लिम जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं। फॉर एग्जांपल, थर्ड रो में दिख रहा है चार पेटल हैं, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। सेकंड इज कैरियो फाइलिसियस, फाइव पेटल्स द लिम आर लॉन्ग क्लोज स्प्रेड आउटवर्ड एट द राइट टू द लिम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पांच पेटल होती है और वो एक क्लो, लॉन्ग क्लो या फिर लॉन्ग लिम्ब के जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है और आउटर साइड के अंदर वो प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट इज रोजिसियस, फाइव और मोर पेटल आइदर सेसिल विद ए वेरी शॉर्ट क्लो, देयर लिम्ब स्प्रेड आउट हॉरिजॉन्टली लाइक ए सेंसर। फॉर एग्जांपल इन रोज, पांच या पांच से ज्यादा पेटल होंगी, सेसिल हो सकती हैं, और वो क्या होंगी, क्लो के जैसे या फिर एक सेंसर के जैसे स्प्रेड होंगी सारी एग्रीगेटिव फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इन रोज। तो ये है फॉर्म ऑफ कोरोला। नेक्स्ट पार्ट इज पैरेंथ पार्ट, इन विच कैलेक्स एंड कोरोला आर आइडेंटिकल। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने कैलेक्स के बारे में बताया दे आर ग्रीन इन कलर, और कोरोला के बारे में बताया दे आर द कलर्ड पिगमेंट। बट पैरेंथ कब बनेगा, जब कैलेक्स और कोरोला आइडेंटिकल होंगे, दे डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड विद ईच अदर इन देयर कलर फॉर्म एंड साइज आर कॉल्ड देम पैरेंथ। उन्हें हम कहते हैं पैरेंथ। फॉर एग्जाम्पल इन अनियन, अनियन के अंदर क्या होता है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इसमें सेपल कहाँ है या पेटल कहाँ है। पैरेंथ में भी सेपेलॉयड और पेटेलॉयड्स दोनों हो सकता है, सेपल्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है कि सेपल पेटल दोनों एक है, या फिर पेटल की फॉर्म में भी हो सकता है। इंडिविजुअल फ्लोरल लीफ ऑफ ए पैरेंथ, अगर इंडिविजुअल फ्लावर लीफ का जिक्र करें तो उसे हम कहेंगे टेपल्स। एक पैरेंथ के अंदर जो फ्लोरल लीफ बनेगा सेपल और पेटल से मिलके,
उसे हम कहेंगे टेपल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायग्राम में दिख रहा है दोनों व्हाइट कलर के हैं, सेपल भी व्हाइट है, पेटल्स भी व्हाइट है। अब अगर एक लीफ को हम डिफ्रेंशिएट करें वी आर कॉल्ड इट टेपल्स, तो इनमें आइडेंटिकल होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं और इसे हम कहते हैं प्राइंथ पार्ट। तो ये है प्राइंथ कि कोलेक्स कोरोला और जो कैलेक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, दे आर आइडेंटिकल। तो एंड्रोसियम को डिस्कस करने से पहले अगर कोरोला को देखें तो कोरोला के फंक्शन क्या हो जाएंगे, पोलिनेशन में हेल्प करता है, पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है, प्लस जब फ्लावर बड फॉर्मेशन करता है या बड फॉर्म में होता है तो उसके प्रोटेक्शन का काम पेटल्स करती हैं। तो ये उनके फंक्शन है। आगे हम चलते हैं एंड्रोसियम पे। सो व्हाट इज एंड्रोसियम, एज वी नो दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। कि किससे बना होता है, स्टेमन से बना होता है। और स्टेमन्स के अंदर क्या थे, जैसे हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, फिलामेंट है, कनेक्टिव है, एंथर लगे रहते हैं एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। तो इसके अंदर क्या है, एंड्रोसियम की भी डाइवर्सिटी अगर हम पढ़ें तो कैसी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ थीका, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ थीका, तो थीका के बेसिस पे क्या है इसमें, फर्स्ट इज मोनोथीसियस, सेकेंड इज बायोथीसियस। तो क्या है इसमें मोनोथीसियस, एंथर हैव टू लोब्स, जैसे डायग्राम में दिख रहा है मोनोथीसियस और बायोथीसियस दो लोब में डिफ्रेंशिएटेड है, ईच बियरिंग वन माइक्रोस्प्रेंजिया और पोलन सैक इन चाइना रोज। फॉर एग्जाम्पल इन चाइना रोज कि मोनोथीसियस में क्या होगा, एंथर दो लोब के अंदर डिफ्रेंशिएट होगा और हर लोब के अंदर एक माइक्रोस्प्रेंजिया प्रेजेंट रहेगा या पोलन सैक प्रेजेंट रहेगा। तो बायोथीसियस क्या हो जाएगा, डबल लोब्स प्रेजेंट रहेंगी। एंथर हैव टू लोब्स ईच बियरिंग टू माइक्रोस्प्रेंजिया और पोलन सैक। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि दो इसके अंदर लोब प्रेजेंट रहेंगी और दो माइक्रोस्प्रेंजिया या दो पोलन सैक इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये फॉर्म है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ थीका, किसकी, एंड्रोसियम की डायवर्सिटी। तो दो टाइप का है, मोनोथीसियस और बायोथीसियस। अब एंड्रोसियम में ही नेक्स्ट आता है फेस ऑफ एंथर, कि फेस कैसा होगा। जब हम फ्लावरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एंथर का फेस बनाते हैं टुवार्ड द सेंटर और टुवार्ड द पेरिफ्री। तो इनमें कैसे फेसेस के बेसिस पे इनमें डाइवर्सिटी प्रेजेंट होगी, फर्स्ट इज इंट्रोज एंड सेकेंड इज एक्सट्रोज, कि दो फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, या तो वो इंट्रोज है या एक्सट्रोज है। इंट्रोज हुआ तो क्या होगा, वेन द फेस ऑफ एंथर इज टुवार्ड द सेंटर ऑफ फ्लावर, जैसे कि डायग्राम फर्स्ट में दिख रहा है कि टुवार्ड द सेंटर ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड इंट्रोज। इसमें क्या होगा, सेंटर की तरफ जो एंथर प्रेजेंट होंगे उनका फेस सेंटर की तरफ ही होगा, तो इसे हम कहेंगे इंट्रोज। एक्सट्रोज में क्या होगा, वेन द फेस ऑफ एंथर इज टर्न आउटवर्ड, जैसे सेकेंड डायग्राम में दिख रहा है, अगर पेरिफ्री की तरफ या आउटर साइड में एंथर का फेस प्रेजेंट हो तो इस टर्म, इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एक्सट्रोज। तो दो फॉर्म के अंदर है जब हम फ्लावरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो एंथर हम बनाते हैं एक तरफ से हम राउंड शेप करके और दूसरी तरफ इसका फेस बनाते हैं। अगर हम सेंटर की तरफ बनाते हैं दिस इज द इंट्रोज कंडीशन, और इफ वी ड्रॉ इट ऑन द आउटसाइड वी आर कॉल्ड इट एक्सट्रोज कंडीशन। तो दो फॉर्म के अंदर डाइवर्सिटी प्रेजेंट है फेस ऑफ एंथर के बेसिस पे। तो नेक्स्ट एंड्रोसियम में डाइवर्सिटी प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ फिक्सेशन ऑफ एंथर लोब। अभी हमने बात करी थी स्टेमन के अंदर कि फिलामेंट प्रेजेंट है, एंथर रहते हैं और एंथर के साथ कनेक्टिव हैं। तो जो फिलामेंट के बेसिस पे डाइवर्सिटी है तो वो कैसे शो करती है एक स्टेमन के अंदर या एंड्रोसियम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज बेसिफिक्स और इनेट, फिलामेंट आर अटैच टू द बेस ऑफ द एंथर, कि एंथर के बिल्कुल बेस पे फिलामेंट अटैच है, जैसे कि फर्स्ट में देख रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं बेसिफिक्स एंथर है, अटैचमेंट है, फिलामेंट इसके बिल्कुल बेस में प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन है बेसिफिक्स्ड। सेकेंड आती है एडिनेट, फिलामेंट रन अप द होल लेंथ ऑफ द एंथर, जैसे सेकेंड डायग्राम में दिख रहा है बिल्कुल होल लेंथ को भी क्रॉस कर जाती है बेस टू अपेक्स, इसे हम कहते हैं एडिनेट। डोर से फिक्स्ड क्या होते हैं, फिलामेंट अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर, बैक पे फिलामेंट अटैच रहेगी और एंथर जो है वो इस बिल्कुल स्मॉल अटैचमेंट इनका प्रेजेंट रहेगा।
नेक्स्ट है वर्सेटाइल फिलामेंट अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर और एट द पॉइंट ओनली सो दैट द एंथर कैन स्विम फ्रीली इन एयर। इसमें भी क्या है, बैक में फिलामेंट अटैच रहेगी और एंथर स्विम कर सकता है फ्रीली एयर के अंदर। तो स्मॉल अटैचमेंट वर्सेटाइल में, बैक पे अटैचमेंट प्रेजेंट है डोर्सिफिक्स्ड में, एडिनेट में क्या होता है बेस टू अपेक्स अटैचमेंट रहता है जैसे डायग्राम सेकंड में दिखाया गया है, और बेसिफिक्स्ड में बिल्कुल बेस में अटैचमेंट प्रेजेंट हो। तो ये है डाइवर्सिटी फिक्सेशन ऑफ एंथर लोब के बेसिस पे। नेक्स्ट जो डाइवर्सिटी है एंड्रोसियम में वो है ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिव्स। तो फर्स्ट है इसमें डिस्करेट डाइवर्सिटी इन विच कनेक्टिव इज वेरी स्मॉल और अब्सेंट। अगर कनेक्टिव अब्सेंट हो, जैसे दो लोब्स हैं उनके बीच में जो कनेक्टिव है वो बिल्कुल स्मॉल हो या अब्सेंट हो, तो इसके बेसिस पे डाइवर्सिटी है। सेकंड है डाइवर्जेंट, समटाइम्स द एंथर लोब आर सेपरेटली बाय द स्लाइटली इनलार्जमेंट ऑफ द कनेक्टिव। कि अभी हमने देखा थोड़ा सा एनलार्जमेंट होता है कनेक्टिव का, कि दोनों लोब को बिल्कुल सेपरेट कर देती हैं, बेस टू अपेक्स उनकी लेंथ रहती है, एंड द एंथर लोब आर कॉल्ड द डाइवर्जेंट, और इसे कहा जाता है डाइवर्जेंट फॉर्म। डिस्ट्रेक्टाइल फॉर्म किसे कहा जाता है, कनेक्टिव बिकम हाईली इलोंगेटेड, टू लोब्स एंथर लोब्स कम टू लाई एट इट्स टू एंड्स। कि बिल्कुल लंबी लोब एंथर के कनेक्टिव प्रेजेंट हो और दोनों जो हैं बिल्कुल एंड के ऊपर प्रेजेंट हो एंथर्स। नेक्स्ट है अपेंडिकुलेट, कनेक्टिव प्रोलोंग्ड इनटू फीदरी अपेंडिक्स बियॉन्ड द एंथर। कि एक फीदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फीदरी जो कनेक्टिव्स हैं वो अगर प्रेजेंट है दो लोब के बीच में। नेक्स्ट है स्पर्ड, इन सम प्लांट कनेक्टिव बियर स्मॉल स्पर। कि कनेक्टिव जो है एक स्पर के जैसे हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं स्पर। तो ये डाइवर्सिटी प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिव्स। इतनी विविधता देखने को मिलती है एंड्रोसियम में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है वो है अरेंजमेंट ऑफ स्टेमंस। कि कैसे स्टेमंस प्रेजेंट रहेंगे, एक गुच्छे में है, दो गुच्छे में है, या दो से ज्यादा गुच्छे बनाते हैं, न्यूमरस नंबर के अंदर प्रेजेंट है। तो पहला है इसमें हैप्लोस्टेमिनियस। तो ये अरेंजमेंट क्या होगा, स्टेमंस आर अरेंज्ड इन ए सिंगल बोल, सिर्फ एक ही गुच्छा बना रहे हैं, यूजली एज मैनी नंबर्स एज द सेपल और पेटल। बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, सेपल या पेटल से ज्यादा नंबर के अंदर हो सकते हैं। दे आर कॉल्ड एंटीपेटलस। इनको एंटीपेटलस कब कहा जाएगा, बिकॉज अपोजिट ऑफ पेटल और अल्टरनेट टू द पेटल। या तो अपोजिट हो या अल्टरनेट फॉर्म के अंदर अगर प्रेजेंट है तो एक हम टर्म यूज करेंगे एंटीपेटलस। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये है स्टेमंस, न्यूमरस नंबर के अंदर हो सकते हैं सेपल और पेटल से, बट वो क्या है, एंटीपेटलस है, अपोजिट है या अल्टरनेट पोजिशन पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है डिप्लोस्टेमिनियस। इसके अंदर क्या होता है, अरेंज्ड इन टू अल्टरनेटिंग वोम्स। पहला है वो एक ही वोल बना रहा है, अब दो अल्टरनेटिंग वोल बनाते हैं इसके अंदर। मेंबर ऑफ आउटर वोल अल्टरनेट विद द पेटल्स। अब आउटर मोस्ट होल जो होगा वो पेटल के अल्टरनेट होगा, ये इसकी स्पेसिलिटी होगी। नेक्स्ट है ओबिडिप्लोस्टेमिनियस। इसके अंदर क्या होगा, अरेंज्ड इन टू वॉल्स, दोनों वॉल्स के अंदर होंगे, आउटर वॉल्स इज अपोजिट टू द पेटल। अब अपोजिट साइड में प्रेजेंट होगा पेटल से। डिप्लो में क्या था, डिप्लो में अल्टरनेट पोजिशन पे था, इसमें क्या है, अपोजिट है पेटल से। कौन सा, आउटर मोस्ट होल। कि दो गुच्छे बना रहे, एक बाहर गुच्छा है एक अंदर की तरफ गुच्छा है, बाहर वाला एक में अल्टरनेट पोजिशन पे है एक में अपोजिट पोजिशन पे है। नेक्स्ट है पॉलीस्टेमिनियस, स्टेमन आर अरेंज्ड इन मोर देन टू वॉल्स। पॉलीस्टेमिनियस कंडीशन कब होगी, जब जो वॉल है वो क्या होंगे, न्यूमरस रहेंगे या फिर मोर देन टू नंबर, थ्री हो सकते हैं, फोर या फिर अनलिमिटेड हो सकते हैं। अगर इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे पॉलीस्टेमिनियस। कि बहुत सारे स्टेमन प्रेजेंट हैं और अलग अलग वॉल बना रहे हैं या फिर मिक्स हैं, कोई वॉल नहीं बना रहे। तो ये पोजीशन है अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स के बेसिस पे एंड्रोसियम के अंदर डाइवर्सिटी की। कि अपोजिट हो सकते हैं पेटल से, अल्टरनेट पोजिशन पे हो सकते हैं और थर्ड वॉल बनाते हैं, आउटर साइड में कैसे हैं इनर में कैसे हैं, ये डाइवर्सिटी है स्टेमन्स की। नेक्स्ट अपना आता है गाइनोसियम और पिस्टल। दिस इज द फोर्थ वॉल ऑफ ए फ्लावर। दिस इज
female part of the flower, it consisting of one or more than two carpels. They are united or free in form. कि इसके अंदर क्या होती है, कार्पल रहती हैं एग्रीगेटिव फॉर्म के अंदर, जैसे फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है जिसमें ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, पोलन ट्यूब बनाती है, अगर पोलन आके इस पे चिपकता है, ओविल्स प्रेजेंट है, तो ये एक अपनी कार्पल है. एंड द एग्रीगेटिव फॉर्म ऑफ दीज कार्पल वी आर कॉल्ड इट पिस्टल और गाइनोसियम. इसे कहा जाता है पिस्टल या फिर गाइनोसियम. ये क्या है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का. तो इसके अंदर क्या डाइवर्सिटी प्रेजेंट होंगी, नंबर्स एंड कोहेजंस ऑफ कार्पल्स. फर्स्ट है इसके बेसिस पे मोनोकार्पिलेरी और पॉलीकार्पिलेरी. मोनोकार्पिलेरी में क्या होगा, पिस्टल इज कंपोज्ड ऑफ वन कार्पल. पिस्टल समझ आया कि कार्पल का एग्रीगेशन है, इसे हम गाइनोसियम या पिस्टल बोलते हैं. तो अगर एक कार्पल से मिलके बना है तो हम कहेंगे मोनोकार्पिलेरी, कि एक ही कार्पल प्रेजेंट है जिसमें एक ओवरी प्रेजेंट है, एक स्टाइल प्रेजेंट है, एक स्टिग्मा प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे मोनोकार्पिलेरी. लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर देखा जा सकता है. नेक्स्ट है पॉलीकार्पल. पिस्टल इज कंपोज्ड ऑफ, अब पिस्टल किससे बनेगा, टू और मोर कार्पल, सो इट इज कॉल्ड बाय ट्राई टेट्रा और पेंटा कार्पिलेरी. एक कार्पल में प्रेजेंट था तो मोनोकार्पिलेरी था, अब दो कार्पल अगर प्रेजेंट है तो बाई कार्पिलेरी, तीन कार्पल प्रेजेंट है तो ट्राई कार्पिलेरी, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे करके क्या है, जितनी कार्पल प्रेजेंट होंगी तो हम क्या कहेंगे, उसे पॉलीकार्पिलेरी, कि एक कार्पल से ज्यादा प्रेजेंट है उसके अंदर, बाई ट्राई या फिर एक्साइट एप्टा, जितनी भी कार्पल उसके अंदर प्रेजेंट है. तो एक पिस्टल बनता है कार्पल के एग्रीगेशन से, कि कितनी कार्पल उसके अंदर प्रेजेंट है. तो मोनोकार्पिलेरी और पॉलीकार्पिलेरी दो फॉर्म के अंदर डाइवर्सिटी प्रेजेंट होगी. नेक्स्ट डाइवर्सिटी जो गाइनोसियम की प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ कोहेजन. कोहेजन के बेसिस पे क्या डाइवर्सिटी प्रेजेंट होगी, फर्स्ट इज एपोकार्पस, फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है. इन ए कंपाउंड पिस्टल ऑल द कार्पल्स आर फ्री. इसके अंदर क्या होगा, पिस्टल जो है वो कंपाउंड है. कंपाउंड का मतलब मोर देन टू जो कार्पल है वो प्रेजेंट है, लेकिन सारी कार्पल क्या है, फ्री फॉर्म के अंदर. जैसे फर्स्ट डायग्राम में दिख रहे हैं खूब सारी कार्पल्स हैं बट दे आर फ्री इन फॉर्म. दिस कंडीशन वी आर कॉल्ड एपोकार्पस. सेकेंड इज सिनकार्पस. ऑल द कार्पल्स इन कंपाउंड इन ए पिस्टल. इसमें भी क्या है, कंपाउंड है बट यूनाइटेड टूगेदर. अब क्या है, सिनकार्पस के अंदर वो आपस में जुड़ी हुई है. दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे एक ही कार्पल है वो, लेकिन बहुत सारी कार्पल का यूनाइटेड एग्रीगेशन है. तो ऑन द बेसिस ऑफ कोहेजन वी कैन डिफरेंशिएट गाइनोसियम्स डाइवर्सिटी इन टू फॉर्म, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस. एपो मीन्स व्हेन द ऑल द कार्पल्स आर फ्री इन फॉर्म, एंड सिनकार्पस व्हेन ऑल द कार्पल्स आर यूनाइटेड टूगेदर. सो दो फॉर्म इसके अंदर प्रेजेंट होगी, एपोकार्पस और सिनकार्पस. एक अलग से फॉर्म प्रेजेंट है इसके अंदर, पिस्टिलोइड फॉर्म. व्हेन इन पिस्टिल द स्टिग्मा इज एब्सेंट, कि ऐसी एक इम्परफेक्ट स्टेज प्रेजेंट हो जिसमें स्टिग्मा ना हो. हमें पता है एक कार्पल किससे मिलके बनी है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलके बनी है. तो अगर उसके अंदर स्टिग्मा एब्सेंट है और अबनॉर्मल या फिर अबनॉर्मल कंडीशन के अंदर है कि वो फर्टाइल नहीं है, और द ओवरी डज नॉट बियर ओविल्स, या फिर ओवरी प्रेजेंट है वो भी अबनॉर्मल है, ovary doesn't bear any type of ovule, or the ovule does not contain the embryo, या फिर ovule embryo contain नहीं कर रहा, it is called the sterile part or the sterile pistil. We are called it pistiloid. इसको क्या कहते हैं, ऐसी condition जिसके अंदर pistil sterile part में है, कि उसके अंदर ovary present है, sterile present है, stigma present है, but जो पोलन ट्यूब है वो नहीं बन पा रही, या ओवल है वो एक्टिव नहीं हो पा रहे, या एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन जो है, अब नॉर्मल कंडीशन, स्ट्राइल पिस्टल हम कहते हैं कि ये पिस्टल जो है वो स्ट्राइल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती. नेक्स्ट डाइवर्सिटी है गाइनोसियम में, वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेंटेशन, कि कैसा प्लेसेंटा इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा. फर्स्ट इज मार्जिनल. इन दिस सिंपल प्लेसेंटेशन ओवरी इज मोनोकार्पिलेरी. मोनोकार्पिलेरी का मतलब एक ही कार्पल प्रेजेंट है. यूनिलोकुलर मींस क्या है, एक ही लोक्यूल प्रेजेंट है.
and the placenta develop along two margin of the ventral sutures which ovules bone on it. जैसे first diagram में दिख रहा है, क्या है ओवरी? मोनोकार्पिलेरी है, यूनिकार लोक्युलर है, और प्लेसेंटा जो है डेवलप करता है टू मार्जिन के अंदर, वेंट्रल सिचर्स के अंदर, विच ओविल बोन ऑन इट. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन. सेकेंड है एक्सियल, द ओवरी इज मेनी चैम्बर्ड. अब ओवरी में बहुत सारे चैम्बर बने हुए हैं एज द नंबर ऑफ कार्पल, जैसे नंबर ऑफ कार्पल 2, 3, 4, 5 यहाँ प्रेजेंट है. मार्जिन ऑफ कार्पल फोल्ड इनवर्ड फ्यूजिंग टूगेदर. अब मार्जिन है वो इनवर्ड की तरफ है और फ्यूज हो रहा है. इन द सेंटर ऑफ ओवरी प्लेसेंटा डेवलप इन सेंटर वेयर द ओव्यूल आर बोर्न इन ईच लोक्यूल. क्यों? क्योंकि बहुत सारी कार्पल हैं, 2, 3, 4, 5 हो सकती हैं. अब वो सेंटर में जाके एग्रीगेटिव फॉर्म कर रही है, तो ओव्यूल कहाँ बोर्न करेंगे? बीच में बिल्कुल लोक्यूल, एक लोक्यूल के जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे और सारे ओव्यूल जो है वो उसी के अंदर बोर्न होंगे. तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एक्सियल प्लेसेंटेशन या एक्सियल प्लेसेंटा, जैसे डायग्राम में दिख रहा है. नेक्स्ट इज पैराइटल प्लेसेंटेशन. ओवरी इज बाय मल्टीकार्पिलरी बट यूनिलोक्युलर एज कार्पल्स आर फ्यूज्ड ओनली बाय देयर मार्जिन्स. कि पैराइटल में क्या होता है, ओवरी बाइलोक्युलर हो सकती है, मल्टीकार्पिलरी हो सकती है, बट सॉरी बाई या मल्टी कार्पिलेरी हो सकती कि दो या दो से ज्यादा कार्पल्स उसमें प्रेजेंट हैं, बट यूनिलोक्युलर एक ही लोक्यूल में आके मिलते हैं कार्पल्स एंड फ्यूज्ड, आपस में फ्यूज होती है ओनली बाय देयर मार्जिन, मार्जिन के ऊपर जाके वो फ्यूज हो जाती है. सेंट्रल इट इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेप्टा और पार्टीशन वॉल इन ए वेरी यंग एक्सियल प्लेसेंटा. इसके अंदर क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है सेप्टा का, पार्टीशन होता है वॉल का वेरी यंग एक्सियल प्लेसेंटा के अंदर. फ्री सेंट्रल कौन से होंगे, ओवरी मल्टी कार्पिलेरी बट यूनिलोक्युलर. द कार्पल जॉइन ओनली बाय देयर मार्जिन. प्लेसेंटा अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी और प्रोजेक्ट इन टू इट्स कैविटी एज द सेंट्रल स्वोलन एक्सिस. कि बीच के अंदर ऐसा बनता है कि स्वोलन एक्सिस है और वहीं पे क्या होते हैं, ओवल सारे एग्रीगेटिव फॉर्म के अंदर हों, तो इसे हम कहते हैं फ्री सेंट्रल. कि सेंटर के अंदर बिल्कुल फ्री फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट है प्लेसेंटा, तो ये डाइवर्सिटी प्रेजेंट है प्लेसेंटा. नेक्स्ट प्लेसेंटा इज बेसल. ओवरी में बी बाय ट्राइकार्पिलेरी बट यूनिलोक्युलर. प्लेसेंटा डेवलप डायरेक्टली एट द थैलेमस एंड बियर ए सिंगल ओव्यूल एट द बेस ऑफ ओवरी, जैसे कि सनफ्लावर के अंदर होता है कि थैलेमस से डायरेक्ट प्लेसेंटा अराइज होता है, डेवलप होता है और बियर करता है ओव्यूल को बेस के अंदर. नेक्स्ट है एपिकल. लाइक द बेसल प्लेसेंटा डेवलप्ड एट द बेस सॉरी एपेक्स और यूनिलोक्युलर चैम्बर एंड ओव्यूल हैंग्स डाउनवर्डली फ्रॉम द एपिकल प्लेसेंटा. ये भी ऐसा ही होता है बेसल के जैसा ही. फिर है सुपरफिशियल. ओवरी इज पॉलीकार्पिलरी और मल्टीलोक्युलर. अब यहाँ क्या होता है सुपरफिशियल में, अब देखो अभी तक जो थे वो यूनिलोक्युलर थे, अब है मल्टीलोक्युलर. द प्लेसेंटा डेवलप ऑल राउंड द इनर सरफेस ऑफ पार्टीशन वॉल. कि अलग अलग पार्टीशन वॉल के अंदर डिवाइड होता है, ऐसे प्लेसेंटा को हम बोलते हैं सुपरफिशियल प्लेसेंटा. तो ये डाइवर्सिटी प्रेजेंट है गाइनोसियम के अंदर. थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.